प्रतिक्रिया दी है, विपक्ष को आड़े हाथ लिया है, सरकार को आड़े हाथ लिया है पप्पू यादव ने। जाति आधारित गणना का जब सुप्रीमो ने समर्थन किया है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, शैक्षणिक गणना की भी मांग रखी है। पप्पू यादव ने सरकार से पूछा है कि आप पलायन किए हुए बिहारियों की होगी गणना। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार और विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, जाति आधारित गणना का जब सुप्रीमो ने समर्थन किया है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, शैक्षणिक गणना की भी मांग रखी है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने पूछा है कि क्या पलायन किए हुए बिहारियों की भी होगी गणना। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने जनगणना को लेकर सरकार और विपक्ष को आड़े हाथ लिया है, तो जब सुप्रीमो ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है, बिहार के बंटवारे में बीजेपी और आपकी भूमिका बराबर की है। बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को पलायन करने पर सबसे ज्यादा मैं जानना चाहता हूं, क्या पलायन किए हुए बिहारियों पर सवाल विपक्ष का से जानना चाहूंगा, दोनों आदमी से, क्या उसकी जनगणना होगी, क्या आप उसको वापस लाएंगे। अब 260 जाति को अवसर नहीं मिला, जाति क्या ये जाति जनगणना 260 जातियों को हाशिए पर भेजने की एक बड़ी योजना है? क्या जिसकी जितनी जनसंख्या उसमें आप भागीदारी तय कर रहे हैं? जाति जनगणना के साथ क्या गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ और शैक्षणिक रूप से भी क्या आप ये तय करेंगे कि किसको मिला किसको नहीं मिला? तो पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है, सवाल भी किया है और मांग भी की है। आपको बता दें, बेरोजगारी को लेकर भी कहा है कि बेरोजगारों का क्या होगा, जाति आधारित जनगणना का समर्थन भी किया है पप्पू यादव ने।